बाहर सड़कों पर घूमने वाली गौओं को गौशाला में लाकर के अगर पालन पोषण करने लग जाएं, तो एक भी गाय जब सड़क पर नहीं रहेगी तो कसाईयों को मिलेगा क्या काटने के लिए। और उस क्रम में एक शुरुआत हमने श्रीधाम वृंदावन से श्री कृष्ण बलराम गौशाला के माध्यम से करी और पूरे वृंदावन के अंदर ऐसी सैकड़ों गौएं हैं, आज भी गौशालाएं हैं छोटी छोटी जिनके पास पोषण की व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े संतों के पास बड़ी बड़ी गौशालाओं में लोग जाते हैं लेकिन छोटी छोटी गौशालाओं को अनदेखी कर जाते हैं, वहाँ कोई हाल भी पूछने नहीं जाता कि पानी भी कैसे पिला रहे हो और सब व्यवस्था कैसे कर रहे हैं। अभी 10-5 मिनट कथा चलेगी, ये गौएं हमारी पहले ही बैठ गई पंक्ति लगा करके। चलो कोई बात नहीं,